हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू और आज आपका गूगल किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं बताने जा रही हूँ मिल्क केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ दूध और चीनी से इतना परफेक्ट बनेगा ये मिल्क केक कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा, बल्कि मार्केट से भी बहुत ही शुद्ध तरीके से आप घर पर बनाकर तैयार करेंगे, वो भी सिर्फ दूध और चीनी से, और इतनी अच्छी दानेदार मिठाई बनाकर तैयार कर पाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अमेजिंग है और कितना यम्मी लग रहा है। और ये देखिए मैंने बना लिया है और कट करके भी मैं दिखा रही हूँ, इतना सॉफ्ट बनता है ये और बिल्कुल मार्केट जैसा। आप चाहे तो इसके ऊपर वर्क भी लगा सकते हैं, पर ये घर पर खाना है तो आर्टिफिशियल चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने लिया है कढ़ाई, उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी और उसके बाद मैं डाल रही हूँ दूध। पानी रहेगा तो क्या दूध जलता नहीं है, चिपकता नहीं है फटाफट से। और मैंने लिया है 3 पैकेट दूध लिया है, आधे आधे लीटर का, तो ये 1.5 लीटर दूध है। और इसे मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसे मैं अच्छे से बॉयल करूँगी और दूध को चलाते हुए कंटिन्यू पकाना है। और चीनी हमें अभी बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल अभी चीनी का यूज़ नहीं करेंगे। और ये आप अपने स्वाद के अनुसार मीठा रख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जितना दूध डाला है दूध हमने उस हिसाब से चीनी की मेज़रमेंट, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए दूध पकाते पकाते इतना हो गया है, गाढ़ा हो गया है, और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कि कितना थिक हो गया है। और बहुत ही अच्छे से आपको चलाना है। ये मैंने लिया है नींबू का रस, ये आधे नींबू का रस है, मीडियम साइज़ का नींबू था और मैंने आधा लिया है नींबू का रस। और आप चाहें तो इसमें विनीगर का यूज़ कर सकते हैं, आधे चम्मच के बराबर जितना मैंने नींबू का रस डाला है उतना। मतलब 1.5 लीटर दूध में आधे नींबू का रस बहुत ही एकदम परफेक्ट है, इतना आप डालकर इसे बना सकते हैं। और नींबू डालने से ये होगा, नींबू का रस डालने से, कि बहुत ही अच्छे दानेदार मिल्क केक बनकर तैयार होगा। और चीनी मैंने लिया है आधा कप से भी कम लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी की और ज़्यादा कर सकते हैं जितनी मीठी आपको पसंद हो। और चीनी डालने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा ये लिक्विडी हो गया है, थोड़ा जब चीनी मेल्ट होता है तो थोड़ा सा लिक्विडी हो जाता है। और इसे देखिए फिर भी हमें पकाना है और बहुत ही अच्छे दानेदार मिल्क केक बनकर तैयार होगा और टेस्ट तो इतना अमेजिंग होगा कि आप पूछिए मत। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल पे करके ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं लिंक और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मेरी कोई रेसिपी बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अच्छे से इसे चलाते हुए बिल्कुल पका लिया है, जितना उसका पानी था दूध में वो सब निकल गया। और थोड़ी सी मैंने डाल दी है घी, 1 चम्मच मैंने घी डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए घी पसंद है तभी आप डालिए। और ये देखिए बिल्कुल सूखा हो गया है, ये भून भून कर मैंने बिल्कुल अच्छे से लाल कर लिया है, आप देख सकते हैं, और पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। और मैंने लिया है 1 केक मोल्ड और उसमें थोड़ा सा घी डाल के मैंने अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी नॉर्मल प्लेट या थाली में आप इसे अच्छे से जमा सकते हैं, पर उससे ध्यान रखिए कि आपको उसमें बटर या घी ज़रूर ग्रीस करना है, प्लेट में अच्छे से लगा दीजिए ताकि निकलने में बहुत ही आसानी हो, क्योंकि इसमें चीनी है और दूध है तो थोड़ा सा जम जाएगा तो दिक्कत आएगी निकालने में, इसलिए आप घी ज़रूर अच्छे से प्लेट में लगाइए। और ये देखिए मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मैं दबा दबा कर बिल्कुल प्रेस करते हुए एकदम एक बराबर कर लूँगी, ताकि जब इसकी स्लाइस कट करें तो बिल्कुल एक बराबर आए और अच्छे से थिक जमी हुई मिले हमें, इसलिए मैंने इसे अच्छे से देखिए एकदम बिल्कुल मैंने परफेक्ट चिकना कर लिया है लगा के। और ये ठंडी हो गई है, ये आधे घंटे में बाहर भी बिना फ्रिज में रखे भी बाहर ही आधे घंटे में सेट हो जाएगी। और मैंने इसे किनारे से कट कर लिया है चाकू से और इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि अच्छे से वो निकल जाए, अगर नीचे चिपका हुआ होगा मोल्ड में तो टैप करने से वो अच्छे से छूट जाएगी। और ये देखिए कितने अच्छे से निकल गई, अगर आपकी भी नहीं निकलती है तो आप हल्का सा उसे गैस ऑन करके और थोड़ा सा उसे गर्म कर लीजिए, मैं 10 से 15 सेकेंड, और अच्छे से वो निकल जाएगी, धीमी आँच पर कीजिएगा। और ये देखिए मैं इसे कट कर देती हूँ, इतनी सॉफ्ट बनी है देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसी, कोई कहेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पे बनाया, और इतनी टेस्टी, इतनी अमेजिंग कि पूछे मत, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिल्क केक वाली रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैंने कट कर लिया है और आप इसे मोटे या पतले पीस जैसे आपको इसे जमाना हो वैसे आप इसे सेट कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा पीस मोटा ही रखा है,
ताकि वो देखने में अच्छा लगे, और एक बाइट खाते से ही आपको जो स्वाद आएगा ना, आप सच में भूल जाएंगे कि आपने इसे घर पे बनाया है या मार्केट से लाया है। मार्केट से भी अच्छा है, बिल्कुल शुद्ध तरीके से बिना मिलावट के इसे आपने बनाया है। तो ऐसे इजी, यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए गोकुल किचन और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, थैंक यू।